हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल। इसमें हम जानेंगे कि न्यूमेरिकल्स हम कैसे करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, 2.5 किलोग्राम गैस को स्थिर दाब पर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। यदि सीपी इक्वल टू 1 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन और सीवी इक्वल टू 0.714 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन हो तो ज्ञात कीजिए गैस की को दी गई ऊष्मा। दूसरा निकालना है गैस की आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। तीसरा है गैस द्वारा किया गया कार्य। इसके साथ में दिया हुआ है किसी गैस की 2.5 किलोग्राम मात्रा के तापमान को स्थिर दाब पर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाता है। यदि गैस के विशिष्ट ऊष्माओं का मान सीपी इक्वल टू 1 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन है और सीवी इक्वल टू 0.714 किलो जूल पर किलोग्राम हो तो ज्ञात कीजिए प्रदायक ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन और गैस द्वारा किया गया कार्य। आपको इसमें दो टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक बार इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है वो इस टाइप से ही रहेगा, आपको करना सॉल्व एक जैसा है, आपको सारी वैल्यू एक जैसे दी हुई है। जैसे क्वेश्चन में दिया 2 किलोग्राम गैस स्थिर दाब, मतलब आपको ये मास दिया हुआ है 2.5 किलोग्राम। टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, फर्स्ट टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है और फाइनल टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड है। 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। सीपी की वैल्यू 1 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन है और सीवी की वैल्यू 0.714 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन है। इसमें आपको पूछा गया फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है, गैस को दी गई ऊष्मा हीट निकालनी है। दूसरा गैस की आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन मतलब इंटरनल एनर्जी निकालना है। गैस द्वारा किया गया मतलब कार्य मतलब वर्क निकालना है। इसी टाइप का क्वेश्चन को घुमा करके इस टाइप से पूछा गया दूसरी बार। ये 2006 में पूछा गया है और ये वाला क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। 2011 में क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये वाला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है सेम टू सेम, लेकिन इसका लैंग्वेज चेंज कर दी। इससे पूछा गया किसी गैस की 2.5 किलोग्राम मात्रा के तापमान को स्थिर दाब पर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाता है। मास दिया है 2.5 किलोग्राम, इनिशियल टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि गैस की विशिष्ट ऊष्माओं का मान सीपी की वैल्यू है आपके पास 1 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन और सीबी की वैल्यू है 0.714 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, तो आपको इसमें निकालना पड़ता है ऊष्मा मतलब हीट निकालना है, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन इंटरनल एनर्जी निकालना है, गैस द्वारा निकाय पर किया गया कार्य तो वर्क डन निकालना है। क्वेश्चन एक है, सिर्फ इसमें लैंग्वेज चेंज की हुई है, इसको हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। इसमें हमारे पास क्वेश्चन में दिया था मास दिया था एम इक्वल 2.5 किलोग्राम। इसके बाद T1 इनिशियल टेम्परेचर था हमारे पास 80 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको केल्विन में चेंज किया तो हो गया 80 प्लस 273 तो हो गया 353 केल्विन। अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करते हैं तो 273 से ऐड कर देते हैं तो आ जाता 80 प्लस 273 353 केल्विन। सेकंड 250 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था टेम्परेचर, उसको केल्विन में चेंज किया तो हो गया 250 प्लस 273 523 केल्विन आ गया। सीपी की वैल्यू है 1 किलो जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन, सीवी की वैल्यू है 0.714 किलो जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन। ये आपको क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में चेंज किया और ये हमने सीपी और सीवी की वैल्यू लिखा। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे गैस को दी गई ऊष्मा। गैस को जो ऊष्मा दी गई वो है मतलब डेल क्यू से डिनोटेड करते हैं, डेल क्यू इक्वल टू फार्मूला होता है एम सी पी टी टू माइनस टी वन। ये फार्मूला होता है एम सी पी टी टू माइनस टी वन, वैल्यू सबकी पुट कर देंगे। एम आपको मालूम है, एम है 2.5, सीपी की वैल्यू है 1 और T2 है 523 और T1 की वैल्यू है 353। सभी वैल्यू पुट करने के बाद इसको जब हम वैल्यू पुट करेंगे, इसको कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 425 किलो जूल, ये हीट आ जाएगा, डेल क्यू की वैल्यू आ जाएगा 425 किलो जूल। इस टाइप से आप हीट निकाल लोगे, हीट निकल जाएगी। हीट के बाद आपको निकालना है इसमें आंतरिक ऊर्जा मतलब इंटरनल एनर्जी, इसको इंग्लिश में इंटरनल एनर्जी बोला जाता है। तो आंतरिक ऊर्जा निकालेंगे तो ये है गैस कि आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का फार्मूला लग जाएगा, डेल यू इक्वल टू फार्मूला होता है एम सी वी टी टू माइनस टी वन। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको हीट निकालना, फार्मूला एक जैसा है, सब हीट निकालना है तो कांस्टेंट प्रेशर होता है और अगर इंटरनल एनर्जी निकालना है तो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। तो सी वी लिखा है, सीपी की जगह पर सी वी लिखना है, तो एम सी वी टी टू माइनस टी वन वैल्यू पुट कर देंगे। एम की वैल्यू 2.5, सी वी 0.714 दिया है क्वेश्चन में, टी टू 523
T1 353। सभी वैल्यू पुट करने के बाद इसको कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करें तो आ जाएगा 303.45 केल्विन। ये हमने निकाल लिया इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी डेली इक्वल टू हो गया 303.45 केल्विन। थर्ड हमको स्टेप निकालना है गैस द्वारा किया गया कार्य। कार्य निकालना है, वर्क निकालना है। तो वर्क कैसे निकालेंगे, तो वर्क का फार्मूला होता है W इक्वल टू टोटल हीट माइनस टोटल इंटरनल एनर्जी। फार्मूला हो जाएगा डेल क्यू माइनस डेल यू। तो जो डेल क्यू की वैल्यू हमारे पास ये आई थी ये रख देना है, उसमें से आपको डेल यू की वैल्यू ये को इसको माइनस कर देना है। वैल्यू पुट कर देंगे डेल क्यू डेल यू की, तो डेल क्यू कितना है 425 और डेल यू है 303.450। सब वैल्यू पुट करने के बाद इसको हमने क्या किया माइनस कर देंगे कैलकुलेटर से, तो आ जाएगा 121.55 किलो जूल। तो वर्क हमारे पास निकल आएगा इस टाइप से 121.55 किलो जूल। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फर्स्ट लाखर मंडानस में, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया है एक टर्बाइन में भाप 20 मीटर पर सेकेंड और विशिष्ट एंथैल्पी 3000 किलो जूल किलोग्राम में प्रविष्ट होती है और भाप 40 मीटर पर सेकेंड एवं विशिष्ट एंथैल्पी 2500 किलो जूल किलोग्राम ये पर किलोग्राम से टर्बाइन से निकलती है। जब भाप टर्बाइन से गुजरती है तो वायुमंडल में ऊष्मा की हानि कितनी होती है 25 किलो जूल पर किलोग्राम। यदि भाप 6000 किलोग्राम पर मिनट से प्रवाहित होती है तो टरबाइन से प्राप्त शक्ति की गणना मेगावाट में कीजिए। इसमें पावर निकालना है, आपको पहले दिया हुआ है। इसमें हमको दो कंडीशन दी हैं, एक सबसे पहले हमारे पास एंट्री टरबाइन में इनलेट होती है उसको V1 से और जो निष्कासित होती है वो V2 से। इस हमारे पास पहला दिया हुआ है, ये वेलोसिटी दिया हुआ है हमारे पास। वेलोसिटी क्या है, प्रशिष्ट वेग जो है हमारे पास वो है V1 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। दूसरा दिया है V2, इसका ये दिया हुआ है V2 इक्वल टू निष्कासन वेग जो है V2 इक्वल दिया है 40 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास V1 क्या दिया, V1 दिया ये 20 मीटर पर सेकेंड और V2 दिया 40 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमको एंथैल्पी दी हुई है, तो एंथैल्पी फर्स्ट एंथैल्पी क्या दी हुई है 3000 किलो जूल, तो ये लिख दिया हमने। और सेकंड दी हुई है 2500 किलो जूल। इसके बाद हमको डेल क्यू हीट आपको दिया हुआ है 25 किलो जूल की ऊष्मा की हानि होती है। हानि का मतलब होता है माइनस में करना, हानि लिखा हो तो आपको इसमें क्या करना है लॉस हो रहा है, अगर तो माइनस में लिखते हैं तो -25 किलो जूल हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये। तो क्वेश्चन में क्या है आपके पास, ये V1 दिया हुआ है, वेलोसिटी फर्स्ट दिया है, ये हमने गिवन में लिख दिया, दिया है प्रविष्ट वेग V1 इक्वल 20 मीटर पर सेकेंड। एंथैल्पी दिया है H1 3000 किलो जूल दिया जाएगा, H1 इक्वल टू 3000 किलो जूल पर किलोग्राम। V2 दिया है 40 मीटर पर सेकेंड और इसका H2 दिया है 2500 किलो जूल पर किलोग्राम। यहाँ V2 लिख दिया 40 मीटर पर सेकेंड और H2 इक्वल टू 2500 किलो जूल पर किलोग्राम। और आपको हीट दिया हुआ है 25 किलो जूल की हानि, तो वायुमंडल ऊष्मा हानि लिख दिया डेल क्यू इक्वल टू -25 किलो जूल पर किलोग्राम। ये हमने गिवन लिख दिया क्वेश्चन में देख कर। इसको रखने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका हम फार्मूला लगाएंगे। इंटरनल हमारे पास जो एनर्जी रहेगी और एक्सटर्नल एनर्जी रहेगी दोनों के लिए फार्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा H1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस डेल क्यू। फार्मूला होता है एंथैल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल हीट, ये रहता है। तो H1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस डेल क्यू। सेकेंड के लिए आ जाएगा H2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस डेल W। ये चीज आ जाएगी हमारे पास। अगर हम इसमें डेल डब्ल्यू की वैल्यू निकालते हैं, वर्क निकालना है, तो वर्क के लिए हम जो हमारे पास ये वाला वैल्यू है इसको हम इस साइड ट्रांसफर कर देंगे। इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। माइनस में किस टाइप से आ जाएगा, इस टाइप से लिखा जाएगा इसको डेल डब्ल्यू इक्वल टू H1 माइनस H2 हो जाएगा। H से H को माइनस कर देंगे तो H1 माइनस H2 और V से V2 हो जाएगा, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G हो जाएगा और प्लस डेल क्यू ऐसा लिखा रहेगा। तो इस टाइप से इसको लिख देते हैं। इसको इस टाइप से लिखने के बाद इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो आपको सब वैल्यू मालूम है। H1 की वैल्यू है 3000, H2 की वैल्यू है 2500, V1 की वैल्यू 20 और V2 की वैल्यू 40। यहाँ पर यहाँ G हमारे पास 1 × 10^2 हो जाएगा
और डेल क्यू हमको दिया हुआ है -25, ये आपको क्वेश्चन में दिया है, और ये भी आपको किलोग्राम में दिया था जी की वैल्यू, तो हमने इसमें रख दिया, सभी वैल्यू इसमें पुट करें तो इसको कैलकुलेटर से हम सॉल्व करें तो आ जाएगा हमारे पास इस टाइप से आ जाएगा 474.4 किलो जूल पर किलोग्राम, ये वर्क निकल आएगा। वर्क निकालने इसमें हमारे वर्क निकाला, वर्क आ गया हमारे पास 474.4 किलो जूल पर किलोग्राम। अब अगर इसका हमको क्वेश्चन में भाप का प्रवाह दिया है कितना, 6000 किलोग्राम पर मिनट, क्वेश्चन में दिया है 6000 किलोग्राम पर मिनट, तो इसको किलोग्राम पर सेकंड में करेंगे तो किलोग्राम पर सेकंड में करेंगे अगर चेंज, तो इसको क्या है 60 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा प्रति सेकंड भाप का प्रवाह हो जाएगा 6000/60, तो आ जाएगा 100 किलोग्राम पर सेकंड, ये हो जाएगा। अब आप क्या करोगे इसको, आपको वर्क निकालोगे तो वर्क के लिए इसमें आपको यहाँ रख देना, तो क्या हो जाएगा 474.4 × 100, तो आपका ये चेंज हो जाएगा किलो जूल पर सेकंड में हो जाएगा, तो आ जाएगा 47,440 किलो जूल पर सेकंड। इस टाइप से करने के बाद आपका जो आ जाएगा ये, अगर इसको आपको मेगावाट में लिखना है तो हम इसको अगर पावर करेंगे तो पावर के लिए हम इसमें पावर भी लिख सकते हैं, पावर हमारे पास क्या आ जाएगा 47,440 किलो वाट पर किलोग्राम, तो पावर आ जाएगा हमारे पास मेगावाट में 47.44 मेगावाट पर किलोग्राम। इसमें हम 1000 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है 47.44 मेगावाट पर किलोग्राम। इस टाइप से फर्स्ट फर्स्ट लैब थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल कंप्लीट होते हैं।